Guys, you can check out the alloy. The alloy is in good condition. I got it for like 2K only. So guys, यहाँ पे alloy सब पैक कर दिया है. अभी मुझे घर जाना है. घर जाके फटाफट फिर काम में वापस जाना है. चेक आउट करो, अभी हम लोग ट्यूरियल एयरफील्ड में आए हैं. यहाँ पे ऑफ रोड करेंगे, उसका भी वीडियो बनाएंगे. अभी यहाँ पे डोमिनार 250 BS6 का टॉप एंड स्पीड चेक करने वाले हैं. कैसा लग रहा है बाइक? मस्त. देखो भाई, इसका एलॉय भी मैं लगाने वाले हूँ. ड्यूक 250 का एलॉय, उसका वीडियो भी आ जाएगा जल्दी. हाँ गाइस, यहाँ एक्सपर्ट खड़ा है. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. जैसे कि आप थंबनेल से पता तो चल ही होगा कि आज क्या होने वाला है. आज मुझे कल फेसबुक पेज में डोमिनार 250 के लिए ड्यूक 250 का एलॉय मिला था. कुछ सस्ते प्राइस में मिल रहा था, तो मैं सोचा कि जाके लेके फिटिंग करवाता हूँ. अभी मैं लेने जा रहा हूँ. एक्चुअली अभी डिलीवर हुआ है. मेरा दोस्त मामित से सेंड किया था. सो आई एम ऑन द वे राइट नाउ टू पिक अप माय अलॉय. जैसे कि आप देख सकते हो, ये आइजोल सिटी है. यहाँ तो हमेशा ऐसा ही जाम होता है गाइस, क्या बोलूँ यार. अभी लोग ज़्यादातर डोमिनार 250 का तो रियर टायर उसका एलॉय छोटा है, ये तो हम सबको पता है. और ऊपर से एलॉय बड़ा करवाना चाहते हो तो नॉर्मली डोमिनार 400 का एलॉय लगाते हैं. तो मैं क्या सोचा, ड्यूक 250 का एलॉय तो फिटिंग तो होगा ही, क्योंकि मेरा दोस्त ने भी किया है. उसके पास भी डोमिनार 250 था, तो उससे ही मुझे मिला है. तो सस्ते प्राइस में मुझे मिला है, 2000 में मिला है. जाके देखता हूँ उसका क्वालिटी कैसा है. उतना तो ख़राब तो नहीं होना चाहिए. उसका क्वालिटी देखेंगे, फिर उसके बाद वर्कशॉप में जाएंगे. वर्कशॉप में जाके फिटिंग करना है, और हमें ड्रैग रेस में भी जाना है. आज तो थोड़ा ऑफ रोड मारेंगे, मेरा दोस्त वेट कर रहा है. तो जाना है. मैं पता नहीं, मैंने वायर तो बंजी रॉप क्या जो स्ट्रैप है ना, वो लेके गया हूँ. मेरा एलॉय को पीछे रख के उसको बांध दूंगा, उसको टाइट करके खुद लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा दोस्त तो वहाँ है और उसका पास. यहाँ तो एक दिक्कत है, क्योंकि यहाँ आइजो का अंदर में जो हम लोग पीछे हगर नहीं लगाया तो पैसा फाइन हो जाता है 500. और एक्सपल्स में तो हगर तो लगवाता ही नहीं है. तब तो वो सिटी के अंदर अभी दौड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी सिटी के अंदर में इतना स्ट्रिक हो रहा है ना, पैसा तो कट जाएगा ही. तो ऊपर से साइलेंसर का क्या बोलूँ, इतना प्रॉब्लम चल रहा है. साइलेंसर का तो 10,000 फाइन है, ये तो सबको पता ही है. ये MVI एक्ट आजकल बहुत स्ट्रिक हो गया है गाइस, ये खतला कौन है हम लोग का. तो मैं पहले अपना लोकल लैंग्वेज में ही ब्लॉग मारता था, तो मैं सोचा अभी तो हिंदी में ब्लॉग मारना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक इट्स बेटर इफ़ आई स्टार्ट माई व्लॉग इन इंग्लिश एंड इन हिंदी, क्योंकि ज़्यादा व्यूअर्स भी नॉर्मली इंडियन लोग ही है जो हिंदी बोलते हैं. तो यहाँ तो लोकल लैंग्वेज में तो उतना हिंदी तो समझ नहीं आता है ये लोग को, और ऊपर से व्यूज़ भी उतना अच्छा खास नहीं मिलता है. इतना मेहनत करने के बाद भी अच्छा व्यूज़ नहीं आ पाता है. तब तो चलो, मेरा सब्सक्राइबर पहले तो अब मान लो लोकल, यहाँ का लोकल बंदे लोग ही है. फिर भी प्रॉब्लम तो हो जाएगा, क्योंकि पहले से यहाँ का लोकल लैंग्वेज में व्लॉग करता आ रहा था. मगर अभी तो पता नहीं क्या चल गया मन में, मन बता रहा है कि भाई हिंदी में व्लॉग मारो. तो ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि अभी जिसका कंटेंट मैं बना रहा हूँ डोमिनार का, तो
नॉर्मली सब लोग को चाहता है कि उसका एलॉय बड़ा हो, तो इसी कारण पता नहीं आज क्या हो गया, मन को कैसा हो गया। तो खुद को क्या बोलूँ, खुद को ऐसा पता चल गया कि भाई हिंदी में व्लॉग मारना पड़ेगा। क्या है व्लॉग मार्केट देखते हैं। अरे यहाँ पे देखो, मैंने बोला ना सैटरडे बाजार है, यहाँ दिक्कत है। ये सब लोग स्ट्रीट वेंडर्स है, सब स्ट्रीट में सब सामान बिक्री होता है सैटरडे में। ये हम लोग का लोकल बाजार जैसा है। और दिक्कत है घूर घूर के देखते हैं गाइस रिएक्शंस। देखो अभी मैं अपना आईफोन 11 से व्लॉग मार रहा हूँ। गोप्रो तो अभी नहीं है फिलहाल, गोप्रो तो लेंगे, गोप्रो भी लेना है, मगर एक साथ में सब चीज़ करने का फ़ायदा नहीं है ना, आराम से करना है, मैनेज करना है यहाँ वहाँ। और ऊपर से मैंने इतना राइडिंग गियर्स भी ख़रीद लिया। अभी GoPro तो आई थिंक इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, बिकॉज आई कैन मैनेज विद माय आईफोन राइट नाउ। एंड द आईफोन वीडियो क्वालिटी इज बेटर, इट्स वर्किंग, इट्स फाइन, आई डोंट फेस एनी प्रॉब्लम इन व्लॉगिंग राइट नाउ। एज यू कैन सी आईफोन कैमरा लेंस क्वालिटी इज बेटर, मच बेटर देन ऑल दिस एंड्रॉयड। आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी एंड्रॉयड एंड सैमसंग और कुछ, एंड्रॉयड और आईफोन आईओएस कंपेयर नहीं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। मैं नॉर्मली इस रास्ते में तो ऑफ करके ही जाता हूँ, मगर गाइस आपको मैं दिखाता हूँ क्योंकि जल्दी है, मेरा दोस्त भी वेट कर रहा है, वो फटाफट जाना है, हमको एलॉय दिखाना है। गाइस मुझे एलॉय ना इतना सस्ते, मुझे एलॉय ना इतना सस्ते प्राइस में मिला है ना, मैं क्या बोलूँ, बहुत अच्छा डील मिला है मुझे, तो मैं तो लूँगा ही लूँगा। मैं कब से ढूंढ रहा था एक अच्छा सा एलॉय, बड़ा सा एलॉय चाहिए। देखिए अभी इस ड्यूक का भी देखो, अच्छा दिख रहा है, देखा ना टायर अंडर टेयर करने के बाद तो हगर बहुत अच्छा दिखता है, मगर अभी डोमिना 250 का जो स्टॉक टायर है 130/70, भाई ये तो बहुत पतला है यार। हिमालयन का भी तो इतना तो, ओ हिमालयन का 120/something ऐसा होना चाहिए हिमालयन का। फिर भी मैंने पीछे 150/60 सेगमेंट लगाया, उसके बाद भी भाई टायर इतना पतला दिख रहा है, तो मेरा तो मन नहीं लगता है कि भाई बाइक इतना बड़ा है और टायर इतना पतला दिखे तो अच्छा नहीं दिखता है ना। और या आई डोंट, उतना नेसेसरी भी नहीं था कि जाके एलॉय बदलाना, ऐसे ऐसा वेस्ट ऑफ मनी तो हो सकता है 2000 का तो, मगर वेस्ट नहीं है भाई, ये क्या बोलूँ भाई, एक वो लुक्स भी मैटर करता है यार। इतना छोटा एलॉय तो मज़ा भी नहीं होता है चलाने में भी, दिक्कत है गाइस। आज तो मैं फर्स्ट टाइम हिंदी में व्लॉग मार रहा हूँ, कब से यहाँ आके टायर बदलना पड़ेगा शायद, यहाँ का स्टॉक टायर देखेंगे भाई। मैं एप्पलो ट्रैम्पलर चलाने का कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो थोड़ा कॉस्टली है, 4600 आई थिंक द प्राइस इज़ 4600। आई थिंक इफ आई कैन मैनेज टू गेट दैट तो मैं वही लगाऊंगा, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर ट्रैवलिंग ही करता हूँ, टूरिंग करता हूँ, ऑफ रोड करता हूँ, तो और मुझे कौन कॉल कर रहा है। अरे यार आई थिंक मेरा ये दोस्त है क्या, कॉल कर रहा है, रुको उसको थोड़ा मैं दिखाता हूँ। मेरा सर है क्या, अरे यार ये बंदा क्या, अरे गाइस बॉस का कॉल आया था यार, मैं आप एक साइड छोड़ के यहाँ आ गया हूँ, मुझे वापस जाना पड़ेगा यार। आज तो प्लान पूरा ख़राब हो जाएगा गाइस यार, मैं तो साइड छोड़ के आ चुका हूँ, अब क्या करूँ यार, वापस फिर जाना पड़ेगा मुझे। अरे यार व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम मैन,
एलॉय भी तो चेंज करना है मुझे, और ऊपर से यहाँ जाना पड़ेगा। अरे मेरे दोस्त को तो मैं बता दूंगा कि मैं तो नहीं जा पाऊँगा भाई, तू अकेला जा जाए। अरे यार उसको भी बुरा लगेगा, वो कब से मुझे वेट कर रहा है यार, क्या करूँ मैं। व्हाट अ फकिंग वेस्ट ऑफ टाइम मैन, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम यार। मुझे एक बार में नहीं निकलना चाहिए था वैसे यार, ऊपर से टाइम इतना वेस्ट हो रहा है, मैं क्या करूँ। वहाँ पे एक्सपर्ट राइडर है निम्सा का, फटाफट जाना पड़ेगा यार। एलॉय लेके भी मुझे घर जाना है यार, ऊपर से फिर एंटेना का फ़ोटो पूछ रहा है मुझे, क्या करूँ मैं यार। एंटेना का फ़ोटो पूछ रहा है मुझे, एंटेना का फ़ोटो, दिक्कत हो जाएगा भाई, दिक्कत हो जाएगा यार, नहीं तो व्हाट लगेगा। अभी मैं सर को बता दूंगा कि सर मैं तो लंच कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए। अरे यार वापस जाके फिर एंटेना लेना पड़ेगा मुझे यार। अब यार पहले से मैं फ़ोटो नहीं लिया ना, दिक्कत हो गया यार, दिक्कत हो गया, क्या करूँ भाई। गाइस अभी हम लोग वाइवकॉन पहुँच गए, वाइवकॉन से राइट साइड से आपका एयरपोर्ट जाता है और लेफ्ट साइड से यूनिवर्सिटी जाता है। यूनिवर्सिटी तो यहाँ से भी जा सकता है, फिर भी हम सीधा जाके लेफ्ट जाएंगे, ठीक है ना, सीधा जाके लेफ्ट जाना है यार। हम जल्दी हो गया, अब सर पूछेंगे तो हम तो बता देंगे, सर हम तो लंच कर रहे हैं, थोड़ा रुक के। आई थिंक दैट्स द वो सबसे अच्छा एक्सक्यूज होगा भाई, कि सर को बता दूंगी मैं लंच कर रहा हूँ भाई। आप मुझे एलॉय रख के फिर मुझे जाना पड़ेगा भाई, इतना दिक्कत हो गया ना, क्या बोलूँ मैं। यहाँ से गाड़ी, यहाँ भी हमेशा ऐसा ही टाइट होता है, ये साइड भी। भाई बंदा सारा साइड भी नहीं देता, ये स्कूटी लोग इतना स्लो चलता है, क्या बोलूँ भाई। यहाँ से जाके, अरे मेरे आगे का टायर भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से जाके लेफ्ट जाना है फिर मुझे। भाई स्टॉक एग्जॉस्ट सुनो, ये इसका स्टॉक एग्जॉस्ट है, कैसा हो रहा है देखो भाई, अपना अपना लाइन में भी नहीं दौड़ता है ये लोग, क्या बोलूँ मैं भाई। जल्दी हो गया ना, मेरा मन इतना जल्दी हो गया, क्या करूँ, रुको थोड़ा मैं कॉल मारता हूँ एक बार, शायद यहाँ पे होना चाहिए। गाइस यू कैन चेक आउट द एलॉय, द एलॉय इज इन गुड कंडीशन, आई गॉट इट फॉर लाइक 2K ओनली। तो गाइस यहाँ पे एलॉय सब पैक कर दिया है, अभी मुझे घर जाना है, घर जाके फटाफट फिर काम में वापस जाना है। चेकआउट बाइक, चेकआउट करो भाई कैसा लग रहा है। सो गाइस अभी तो फिलहाल इतना ही होगा, जाके मैं एडिट मारूंगा और बाद में टायर शॉप में जाके जब एलॉय चेंज होगा उसका फिर वीडियो बनाऊंगा मैं। ओके गाइस तो फिर हम लोग फिर मिलते हैं।
फाइनल लो है एबीएस गाइस, हम भी थोड़ा ऑफ रोड मारते हैं। यहाँ पे देखो फुल मोड हो रहा है, यहाँ पे फुल मोड चल रहा है। हम भी थोड़ा ऑफ रोड मार के देखते हैं डोमिनार में भी कैसा होता है। गाइस ऑफ रोड मारते हैं डोमिनार में, देखते हैं कैसा होता है डोमिनार का भी पावर कैसा है। हाँ भाई, मेरा टायर ऑफ रोड टायर भी नहीं है, फिर भी देखता हूँ कितना भगा सकता है। एक्सपल्स के जैसा तो भगाना मुश्किल होगा क्योंकि उसका भाई इतना ऊपर में देख बे अंशुत। हम तो आराम से भगाएंगे भाई। मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा। अभी ऑफ रोड दमदार ऑफ रोड होने वाला है भाई, ऑफ रोड। अरे एक्सपल्स के जैसा तो इधर राइट कॉर्नर इतना मुश्किल है ना, देखो यहाँ पे कैसे रख दिया रे। मस्त है भाई, मस्त उड़ा दिया भाई, उड़ा दिया। मजा आ रहा है गाइस, मजा आ रहा है। आज तो दबा के फ्रोन मार देंगे भाई। यही तो मजा है, यही तो जिंदगी है गाइस। क्या मजा आ रहा है भाई। गाइस यहाँ पे ऑफ रोड हो रहा है, ऑफ रोड भाई। वो तो एक्सपल्स है भाई, वो तो दबा के भगा रहा है। अब तो वैसा भगा दे, देख उड़ गया वो तो भाई। तबाह हो रहा है भाई, तबाह। यहाँ पे तो तबाह हो रहा है भाई लोग, तबाह। अरे यार हमारा बाइक के साथ तो मुश्किल है भगाने में। फिर भी मजा आ रहा है भाई, मजा। क्या करे, मजा करना है। अरे यार डोमिनर का सस्पेंशन अलग है भाई ऐसे रास्ते के लिए ना। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। बोर्ड हार्ट उड़ के देखते हैं। मजा आ गया गाइस, मजा आ गया। अभी